माय चैनल टेक ऑन क्रिएटिविटी। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने खुद अपने हाथ से घर में बनाया था। ये शेल्फ कह सकते हो, घर कह सकते हो, झोपड़ी जो आपको अच्छा लगे कह सकते हो। ये मैंने ऑनलाइन देखा था शेल्फ, तो मुझे ना पसंद बहुत आया, लेकिन कॉस्टली बहुत लग रहा था। तो मुझे लगा ये मैं क्यों ना घर में बना लूँ। तो मैंने अपना खुद अपना एक सोच के कार्डबोर्ड लिया, वॉल पुट्टी ली, उसका गोल बना के ये मैंने शेल्फ तैयार कर ली। तो मेरे घर में ना कुछ टाइम पहले भी वॉलपेपर लगे, तो मैंने वॉलपेपर अपने इसी घर पे लगाए, सोचा तो अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। मतलब मुझे होता है कि मैं जो भी काम करूँ उसे बिल्कुल तरीके से तसली से करूँ। तो मेरे पास एक कुर्ती पड़ी थी मेरी, तो मैंने इसको सोचा इस पर ये यूज़ किया जाए इसका। तो पहले मैंने इसके ये बटन लगे हुए थे, ये बटन हटाए और फिर इसको कटिंग करके इसके हिसाब से इसको मैंने इसके ऊपर लगाया कटिंग करके। याद देखो, आपको लगाने के बाद दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने ये लगा लिया है और ये अच्छे से सूख गया था। इसको मैंने एक रात पहले ही लगा लिया था, तो ये अच्छे से सूख गया है। ये बिल्कुल प्लेन था, आप मेरी वीडियो की शुरुआत में ही देख सकते हैं कि ये बिल्कुल प्लेन था। तो मुझे लगा इसके ऊपर ही लैस लगा देती हूँ, तो ये लैस छोटी थी और जो बाउंड्री वगैरह वो सब नज़र आ रही थी और ये कम पड़ रही थी। तो मैंने सोचा इसको छोड़ो, मेरे पास एक और लैस पड़ी थी, तो मैंने सोचा इसका यूज़ करती हूँ। और ये मुझे कलरफुल भी लगी, इससे और ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लग रहा था, तो मैंने यही वाली लगाने की सोची। तो हॉट ग्लू गन से मैंने इस लैस को लगाया। ये देखिए हॉट ग्लू गन बहुत अच्छी है, इसका काम झटपट हो जाता है, फटाफट मिनटों में काम हो जाता है। ये मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। मैं ऊपर भी आपको लगा के दिखाती हूँ अच्छे से, ये पूरे में कवर कर देना है। ये मेरी फाइनल लुक है घर की। मेरे पास जो भी आइटम पड़ी थी मैंने ये लगा दी। आपके पास जो हो इस हिसाब से आप अपना घर सजा भी सकते हैं बना के, बहुत अच्छा लगेगा। मुझे तो बहुत प्यारा लगा। आई थिंक आपको भी मेरी वीडियोस पसंद आई हो, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।